हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन हियर इज, सिलिएट्स दे कुड बी डिफर फ्रॉम ऑल अदर प्रोटोजोन्स इन ऑप्शन ए यूजिंग फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन, हैविंग अ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फॉर रिमूविंग एक्सेस ऑफ वाटर, यूजिंग सूडोपोडिया फॉर कैप्चरिंग प्रे, हैविंग टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई। सो लेट कंसिडर हियर द की कंसेप्ट। सो की कंसेप्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट सिलिएट्स। सो बेसिकली सिलिएट्स क्या है? इट इज वन ऑफ द ग्रुप ग्रुप ऑफ प्रोटोजोन। ये ग्रुप है प्रोटोजोन का, दैट हैविंग अ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्रेजेंस ऑफ, वहां पे क्या प्रेजेंस होता है? देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ हेयर लाइक ऑर्गेनली, हेयर लाइक ऑर्गेनली, जिसको हम बोलते हैं सीलिया। ओके, नाउ अगर हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि जो सिलिएट्स हैं उसमें क्या डिफरेंस है अदर प्रोटोजोन से। सो सिलिएट्स दे कुड हैव टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई। इनमें दो तरह के न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। ओके, एंड सिलिएट्स के पास जो है सीलिया प्रेजेंट है, एंड सीलिया हैव अ फंक्शन ऑफ लोकोमोशन। ओके, एंड अगर मैं बात करूँ टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस में, इसमें दो तरह के कौन से न्यूक्लियस होते हैं? एक होता है मैक्रो न्यूक्लियस, ठीक है, जो कि फंक्शन करता है, दैट इज इन्वॉल्व इन द वेजिटेटिव फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो वेजिटेटिव फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। वेयर एज द अदर टाइप ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज माइक्रो न्यूक्लियस। एंड जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है दैट पर्टिकुलरली इन्वॉल्व इन अ रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। अगर मुझे इसकी एक एग्जाम्पल देनी है तो आई कुड राइट डाउन पैरामीशियम। जो पैरामीशियम है ना स्टूडेंट, वो वन ऑफ द एग्जाम्पल है यहाँ पर जब हम लोग डिस्कस करते हैं सिलिएट्स के बारे में। पैरामीशियम में भी दो न्यूक्लियाई होते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर हो गया वो क्या हो गया? दैट दे कुड हैविंग टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई। होप इट इज क्लियर। ऑल द बेस्ट।